नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो। तो दोस्तों, हमें पानी की टंकी के स्टैंड की आवश्यकता थी, तो दोस्तों हमने मार्केट में ट्राई किया। मार्केट में हमें बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली लगा, तो हमने घर पर ही तैयार किया। आप भी घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत कम कीमत पर। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने चार फीट के चार एंगल लेकर एक उन्हें वृत्ताकार आकृति में बदला है। तो यहाँ मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ चारों कोणों पर, वो भी बढ़िया तरीके से। तो जैसा आप मुझे देख सकते हैं, तो मैं एक पानी की टंकी का स्टैंड 3 मिनट में आपको बनाना सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहें आप मेरे साथ। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैं ये जो भी जितने भी एंगल लगा रहा हूँ, वेल्डिंग कर रहा हूँ, ये सभी एक एक एंगल 8-8 इंच की गैप में है। आप भी इस वीडियो को देखकर ही सेम बना सकते हैं घर पर ही अपने, और वो भी बहुत ही ज़्यादा मिनी प्राइस में। दोस्तों आजकल गर्मी का सीज़न है, आपको जैसा कि पता है पानी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। रास्ते में जो भी लोग चलते हैं उसमें पानी की, हम इसको स्टैंड को तैयार करके हम रोड पर एक पानी की टंकी मतलब प्याओ के रूप में भी लगा सकते हैं। और प्याओ के रूप में नहीं तो हम जैसे कि छत पर टंकियाँ रखते हैं और नीचे से हमारी छत ख़राब ना हो, तो एक स्टैंड उसमें भी बनाकर छत पर लगा सकते हैं। भाइयों के छत ना हो वो भी इस प्रकार के स्टैंड बनाकर ज़मीन पर भी थोड़ी ऊंचाई पर टंकियाँ रख सकते हैं। और दोस्तों आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, अगर एक भी थोड़ा सा भी पार्ट मिस करा तो आप स्टैंड को नहीं बना पाओगे। तो दोस्तों हर तरीके से हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा और उसी तरह की वेल्डिंग करनी पड़ेगी। आप पूरी वीडियो में बने रहें। तो आप जैसा देख रहे हैं वीडियो में, ये मैं अब पाए लगा रहा हूँ, आप इनको जैसे पैर भी बोल सकते हैं, जो कि एक टंकी के स्टैंड के चारों तरफ पैर लगे होते हैं। और दोस्तों इसकी एक मात्र 3 फीट ऊंचाई है। आप हो सके तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। हमें 3 फीट की आवश्यकता थी तो हमने 3 फीट का लगाया है, और चारों तरफ इसी तरह पाए लगाए जाएंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं अच्छे से उसे वेल्ड करें और अच्छे से मेजरिंग टेप करें, क्योंकि ऊंचा नीचा होने पर हमारी टंकी थोड़ी तिरछी हो सकती है, पानी निकल सकता है, या फिर नीचे गिरने पर हमारी टंकियां फूट सकती हैं। और आप जैसा चाहें उस प्रकार से बना सकते हैं, हाइट ऊंची या छोटी, हमें जितनी आवश्यकता थी उतना ही करा है। जो आप देख रहे हैं ये पायो में नीचे की तरफ एक एंगल लगाई जाती है जो कि 12 इंची नीचे होता है। और दोस्तों इसका यह काम होता है कि हमारे पैर टेढ़े मेढ़े ना हो और वो एक सिधाई में खड़े रहें, डटे रहें, ये इसका काम होता है। और आप इन्हें अच्छे से वेल्ड करें क्योंकि आगे समय में टूटे ना, और बीच में एक सपोर्ट लगाई जा रही है जिससे थोड़ी मजबूती बनी रहे। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बीच की सपोर्ट लगाने के बाद जो भी हमारे चारों पैर हैं, जो पाए जो भी आप समझते हैं, उन पर हम 2-2 इंच की चौड़ाई की एक कैप लगा सकते हैं, जैसे कि धरती में हमारा स्टैंड धंसे नहीं, जैसे कि अंदर गड़े नहीं। और चारों तरफ से वेल्डिंग करके हमें एक मजबूती का काम करना होगा, जैसे कि हमारे स्टैंड टूटे नहीं जल्दी, मजबूती से खड़ा रहे। और तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी भी मेजरमेंट करने पर हम अच्छे से वेल्ड कर देंगे इसे। मैं आप मुझे देख सकते हैं, मैं चारों तरफ से वेल्ड कर रहा हूँ, पहले एक एक टाका लगा के पहले चेक करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, और फिर पूरी हम अच्छे से वेल्ड कर देंगे। इस प्रकार ये स्टैंड पूरा हो चुका है, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और हमारा स्टैंड टंकी का कैसा लगा। धन्यवाद।